Good morning, everyone. Continuing with our next adjustment, unearned income or income received in advance. वो इनकम जो आपने रिसीव करंट ईयर में की है लेकिन उसे अर्न आपने करंट ईयर में नहीं किया है तो उसे हम अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहेंगे. फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. अब जो इनकम इस ईयर की नहीं है तो उसे हम इस ईयर में शो नहीं कर सकते. इसका मतलब कि जहाँ पे जब हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो जहाँ पे भी उस इनकम को हम शो कर रहे हैं उसमें से हम उसे माइनस कर देंगे और उसे दूसरा इफेक्ट ये जाएगा कि उसे हम लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में शो करेंगे. तो क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी कंसर्न इनकम है उसमें से हम अनअर्न इनकम को डिडक्ट कर देंगे और दूसरा हम उसे लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे बैलेंस शीट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेंट दिया हुआ है अनअर्न रेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने रेंट में से अनअर्न रेंट को माइनस कर दिया और बैलेंस शीट में हमने उसे लायबिलिटी साइड पर शो कर दिया. अगर अनअर्न इनकम आपकी सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे. नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो कैपिटल है वो क्या है, जो ऑनर है बिजनेस का उसने जो कैपिटल है बिजनेस में लगाई है, अब उसके ऊपर वो इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करता है. तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या है, एक्सपेंस है. तो जो इसकी एडजस्टमेंट होगी वो क्या होगी, इसे सबसे पहले हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पे डेबिट साइड दिखाएंगे इसे एज अ एक्सपेंस. दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जहाँ पे आपने कैपिटल लिखी हुई है कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में हमने कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसे एज ए एक्सपेंस शो कर दिया. नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. जब जो ऑनर है बिजनेस का वो विड्रॉ कर रहा है मनी या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं. कई बार इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं होता कैपिटल पर बट ड्रॉइंग्स पर आप चार्ज करते हो. तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो बिजनेस के लिए इनकम है तो हम इसे कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप इसे शो करेंगे एज अ इनकम और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जो आपकी कैपिटल है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पर इसे शो किया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में से पहले ड्रॉइंग्स माइनस हुई और उसके बाद ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस हुआ. देन नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. जब आप बिजनेस एक्सपैंड करते हो तो आपको मनी की ज़रूरत होती है तो आप बिजनेस के आउटसाइड से जो पर्सन है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे आप लोन ले लेते हैं तो उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ, आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ. तो एक्सपेंस है तो हम इसे कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जहाँ आपने लोन लिखा हुआ है उसमें हम इसे ऐड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसे इंटरेस्ट ऑन लोन शो कर दिया डेबिट साइड पर और बैलेंस शीट में लोन में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड कर दिया. अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है दैट इज कई बार ट्रायल बैलेंस के बाहर जब ये चीज़ आपको गिवन है तो हम इसे एडजस्टमेंट मान रहे हैं तो वहाँ पे भी गिवन होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है आपने इतना पे किया है. सपोज यहाँ पे हमें 5000 ना लिख के 4000 गिवन होता लेकिन हमें साथ में ये अमाउंट भी गिवन है और जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो भी गिवन है. जैसे हमें अगर ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है कि इतना लोन आपने लिया हुआ है और लोन आपने 10% पर एनम से लिया है और 50,000 का लोन लिया है, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्लियरली मेंशन नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर. ट्रायल बैलेंस के अंदर खाली लोन और उसकी डिटेल्स मेंशन है कि 50,000 लोन आपने सेशन के स्टार्टिंग में लिया और 10% पर एनम के हिसाब से आपने लिया और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है तो वो हिडन एडजस्टमेंट है. उस केस में आपको खुद
उसे ढूंढकर यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको देखना होगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई एंट्री की हुई है, और अगर एंट्री की हुई है तो उसका अमाउंट आप मैच करेंगे। अगर अमाउंट इक्वल आता है, यहाँ पे जो अमाउंट है और जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट आपने पे किया है वो इक्वल आता है, तो सीधा आपकी जो एंट्री है वो होगी कि हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज हो गया, एंट्री हुई हुई है। लेकिन अगर डिफरेंस है अमाउंट में तो वो आपका आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, आपका उतना जो अमाउंट है, और अगर गिवन ही नहीं है तो आपने कैलकुलेट करके उसे अपने आप एडजस्टमेंट उसकी करनी है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एडजस्टमेंट बैड डेप्ट्स की एडजस्टमेंट। बैड डेप्ट क्या होता है? जो बिजनेस मैन है वो गुड्स को सेल कर रहा है कस्टमर को, कैश में भी एज वेल एज क्रेडिट में भी, तो वो कस्टमर्स जिनको गुड्स क्रेडिट पर आप सोल्ड कर रहे हो वो आपके डेप्टर्स कहलाते हैं। कई बार जो आपके डेप्टर्स हैं उन्होंने जो आपको पैसा देना है वो आपको पैसा वापस नहीं करते, कोई भी रीज़न हो सकता है, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया या अदर रीज़न हो गया, तो वो अमाउंट जो आप रियलाइज नहीं कर पाए हो अपने डेप्टर्स से वो अनरियलाइज अमाउंट को हम बैड डेप्ट्स कहते हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो गई? अब जो बैड डेप्ट हुए एक तरीके से बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर हम उसे शो करेंगे। दूसरा, जो बैलेंस शीट में आपने जहां एसेट साइड में टोटल डेप्टर्स दिखाए हैं वहां से हम बैड डेप्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि उतने से आपकी जो एसेट है वो कम हो गई। तो यहाँ पे देखिए बैड डेप्ट्स जो हमारे हैं यहाँ पे शो हुए हुए हैं, तो हमारे जो फर्दर बैड डेप्ट्स हुए 1000 रुपीज़ के, हमने उसे बैड डेप्ट्स में शो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया, और बैलेंस शीट में से हमने बैड डेप्ट्स को डेप्टर्स में से माइनस कर दिया। अगर बैड डेप्ट्स आपके सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर शो करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स। कई बार कुछ डेप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे अमाउंट जो रियलाइज होना है वो डाउटफुल होता है, बैड डेप्ट्स डिडक्ट करने के बाद डेप्टर से, तो हो जो भी आपके डेप्टर्स रह गए हैं, ज़रूरी नहीं है वो सारे आपके गुड डेप्टर्स हो, क्योंकि डेप्ट्स उनसे रियलाइज होना है फ्यूचर में, तो इसीलिए आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट उन डेप्टर्स के ऊपर बनाना पड़ेगा, ताकि अगर जो डेप्टर्स हैं आपके पे अपनी लायबिलिटी फ्यूचर में नहीं कर पाए तो लॉस उनसे रिकवर हो पाए उस प्रोविजन से। तो वो प्रोविजन जो होता है आप एक सर्टेन परसेंटेज पे बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर लास्ट ईयर्स एक्सपीरियंसेस। तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट की? इसे हम एज अ एक्सपेंस मानेंगे, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करेंगे, और जहां आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पर अपने डेप्टर्स शो किए हैं, डेप्टर्स में से आपने बैड डेप्ट्स फर्दर बैड डेप्ट्स माइनस कर दिए हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचा उसके ऊपर प्रोविजन बनता है, तो वहां से हम उस प्रोविजन को डिडक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि दो तरीके के प्रोविजन होते हैं, एक जिसे हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं और एक जिसे हम न्यू प्रोविजन कहते हैं। अब दोनों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोविजन ओल्ड है और कौन सा प्रोविजन न्यू है? जो न्यू प्रोविजन है आपका, जो आपका नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है जहाँ से आप प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो न्यू प्रोविजन होता है। जो प्रोविजन आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है वो आपका ओल्ड प्रोविजन होता है। तो जो बैड डेप्ट्स और न्यू प्रोविजन है आपका वो दोनों बिजनेस के लिए लॉसेस हैं, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर शो करते हैं दोनों को ऐड करके, और जो ओल्ड प्रोविजन है उसे हम यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में जो डेप्टर्स हैं उन्हें हम कैसे शो करते हैं? उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस करने के बाद हम उसे शो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो होगा? बैड डेप्ट्स में ऐड करेंगे आप न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स, और उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बात की पहले बताया, सेम चीज़ कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो आपका ओल्ड प्रोविजन है, और जो आपका एडजस्टमेंट में गिवन है वो आपका न्यू प्रोविजन होता है। अब यहाँ पे जब
आपके बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट गिवन है एडजस्टमेंट में, तो हमने क्या करना है? जब आपके बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दोनों इकट्ठे गिवन है, तो सबसे पहले हमें बैड डेप्ट को डेबिट साइड पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और यही अमाउंट हम डेप्टस में से भी माइनस कर देंगे। ये बैड डेप्ट की एडजस्टमेंट कर दी आपने, उसके बाद नया प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे जो आपने बैलेंस शीट में अमाउंट माइनस करके जो आपका अमाउंट आया, मतलब डेप्टस थे आपके, डेप्टस में से आपने बैड डेप्ट माइनस किए, उसके बाद जो आपका अमाउंट आया उसके ऊपर हम नया प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो जो हमारा प्रोविजन आ गया उसे हम बैलेंस शीट में उस प्रोविजन को माइनस करेंगे डेप्टस में से, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पर जो आपके बैड डेप्ट गिवन है उसमें न्यू प्रोविजन को हम ऐड कर देंगे। वही सेम चीज़ जैसे हमने ऊपर बात की कि बैड डेप्ट्स में ऐड किए हमने फर्दर बैड डेप्ट्स, उसमें हमने ऐड किया न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, और उसमें से माइनस किया हमने ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स। जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट्स गिवन है वो आपको सिर्फ एक ही जगह शो करने हैं, दैट इज आपके जो आपका पी एंड एल अकाउंट है वहाँ पे हम बैड डेप्ट्स को शो कर लेंगे। जो आपकी अगर एज अ एडजस्टमेंट गिवन है वो आपके फर्दर बैड डेप्ट्स कहलाते हैं। न्यू प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो न्यू प्रोविजन होता है, ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन गिवन होता है वो ओल्ड प्रोविजन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सनड्राई डेप्टर्स आपके गिवन है, बैड डेप्ट्स गिवन है, ओल्ड प्रोविजन गिवन है, नीचे लिखा है राइट ऑफ 2000 as further bad debts, create a provision for bad and doubtful debts at the rate of 5% on sundry debtors. Bad debts को हमने शो किया यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक ही जगह शो हो रहा है, दैट इज पी एंड एल अकाउंट में बैड डेप्ट। उसके बाद यहाँ नीचे हमारे सनड्राई डेप्टर्स हमने यहाँ पे शो कर दिए, आपके सनड्राई डेप्टर्स 42,000। यहाँ पे हमें गिवन जो प्रोविजन है ट्रायल बैलेंस में वो हमारा ओल्ड प्रोविजन है, वो हमारा माइनस होना है, तो यहाँ पे हमने उसे माइनस में लिख दिया। देन एडजस्टमेंट देखते हैं, राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड डेप्ट, तो इसे हम पहले जो हमारी बैलेंस शीट है यहाँ से माइनस कर दिया हमने फर्दर बैड डेप्ट को, और यहाँ पे बैड डेप्ट में हमने ऐड कर दिया फर्दर बैड डेप्ट। देन है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन सनराइज डेप्टर, तो यहाँ से जो डेप्टर्स में से आपने फर्दर बैड डेप्ट माइनस किए उसकी जो ये अमाउंट है 40,000, इस 40,000 अमाउंट के ऊपर आप न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू प्रोविजन को हमने यहाँ से माइनस कर दिया और न्यू प्रोविजन को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। तो ये थी एडजस्टमेंट आपकी प्रोविजन की। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर सपोज उल्टा हो गया कि जहाँ पे आपका ओल्ड प्रोविजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया टोटल से किसके, बैड डेप्ट और न्यू प्रोविजन के, तो हम उस केस का क्या करेंगे? उस केस में हम जो ये पूरा एडजस्टमेंट है कि वो बैड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविजन को ऐड करके आप माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन को, तो ये जो पूरा एडजस्टमेंट है हम पी एंड एल की क्रेडिट साइड पर शो करेंगे, तो वहाँ पे क्या शो हो जाएगा, ओल्ड प्रोविजन में से माइनस कर रहे हैं आप बैड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविजन। इसका मतलब ये है कि आपका जो बैड डेप्ट और न्यू प्रोविजन है जो अमाउंट है एज अ एक्सपेंस या एज अ लॉस जिसे आप ट्रीट कर रहे हैं वो कम है, जबकि उसके लिए प्रोविजन आपने ज़्यादा का बनाया हुआ है। तो एक तरीके से वो आपके आप कहें कि इनकम तो हम नहीं कहेंगे कि एक तरीके से गेन आपको हो गया कि जो प्रोविजन आपने बनाया था वो कम की ज़रूरत है लेकिन आपने ज़्यादा का बनाया था। तो यहाँ पे देखिए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की जो एडजस्टमेंट है ओल्ड प्रोविजन लेस बैड डेप्ट लेस फर्दर बैड डेप्ट एंड लेस न्यू प्रोविजन, इस तरीके से एडजस्टमेंट हम इसकी शो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।